सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में हमने जैसे अकाउंट ओपन किया तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हमें इंस्टेंट ही देखने को मिल गया। अब ढेर सारी हमारे पास कमेंट्स ये भी आ रही थी कि सर ऐसा कोई बैंक अकाउंट बता दीजिए जिसके अंदर दोस्तों हमें बैलेंस मेंटेन करना ना पड़े, जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर उसके अंदर हम एक रुपया नहीं रख पाते हैं तो वहाँ पर हमें पेनाल्टी देना ना पड़े, घर बैठे अकाउंट ओपन हो जाए और अकाउंट ओपन होने के बाद में पूरी हमें अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाए। अगर आपको ऐसा ही एक बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इंडसइंड बैंक के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ में, इजीली के साथ में अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहां पर इंडसइंड बैंक आपको एक डीलाइट सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराती है जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। इस अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस भी मेंटेन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिल जाती है और जरिए वीडियो केवाईसी के आपका सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाएगा। इंडसइंड बैंक इतनी ही सर्विस आपको नहीं देती है बल्कि सारी डिजिटल सर्विस भी देती है, जैसा आप इसके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग चालू कर पाएंगे। इसकी वेलकम किट के अंदर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक देखने को मिल जाएगा, उससे आप आसानी के साथ में अच्छा खासा पैसा जो है एटीएम से विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, लिमिट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिली जाती है। साथ ही इंडसइंड बैंक आपको बहुत सारे आपको ऑफर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्विगी से खरीदारी करते हैं तो यहाँ पर 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यहीं पर बिग बास्केट से भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अमेजोन से अगर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो 5% का कैशबैक मिलेगा, यहीं पर अगर फ्यूल डिनिंग या इंटरटेनमेंट या फिर OTT पर आपको 5% का आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे दोस्तों इस बैंक अकाउंट के अंदर आपको ऑफर भी देखने को मिलते रहते हैं और सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप मन चाहे तरीके से आप अपने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अकाउंट नंबर अच्छा लगे उससे आप अकाउंट नंबर अपना बना सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको इंडसइंड बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, बस अर्थ इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ जाए तो जोर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर हम इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले इस पेज पर आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो 6.75% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे इस अकाउंट के अंदर हमें ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अपने वाले कॉलम में मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। तो अकाउंट नंबर बनाने के लिए दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा और इस तरीके से अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अब इसके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप इस कॉलम में टाइप करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर एक बार में OTP नहीं जाती है तो रिसेंट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार पैन वेरीफिकेशन कराया जाएगा, तो इस वाले कॉलम में आप अपने आधार नंबर को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में अपने पैन नंबर को टाइप करेंगे, बैंक की तरफ से डिक्लेरेशन मिल जाएंगी तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन इसके बाद में सेंड वेरीफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है, वो वाली OTP इस बॉक्स में टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहले इस वाले कॉलम में आप अपनी ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सिलेक्ट करेंगे। इस वाले कॉलम में माताजी का नाम टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में आप अपने पिताजी का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद में एक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप क्या काम करते हैं सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पर लाइन ऑफ बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथली इनकम आपसे मांगी जाएगी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मंथली इनकम जो भी हो वो आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले कॉलम में अपनी या तो सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं या तो अपनी लोकेशन का नाम टाइप कर सकते हैं। अब आधार कार्ड की अकॉर्डिंग देख सकते हैं नीचे आपका जो करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पर देखने को मिली जाएगा। आप देख सकते हैं पेज को ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर नॉमिनी को ऐड करना है तो सबसे पहले नॉमिनी का फुल नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे, नॉमिनी का और जो अकाउंट होल्डर है उसका रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। बाय द वे अगर आपको अकाउंट के अंदर बाद में नॉमिनी ऐड करना है तो ऊपर वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा। जैसे पेज को ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैंक की तरफ से एडिशनल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सबसे पहले वाले में देख सकते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ पर एस करेंगे वरना नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भैया बताया जा रहा है कि आप इंडिया के ही निवासी हैं बल्कि अदर कंट्री के तो नहीं हैं, तो बिल्कुल नो पर क्लिक कर देंगे।
नीचे पीपी डिक्लेरेशन आपसे मांगी जाएगी, तो यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर इंडसइंड बैंक के किसी भी स्टाफ के थ्रू आपका अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, वरना इसे दोस्तों आप फ्री छोड़ देंगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर जो आपको अकाउंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तीनों अकाउंट आपको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं पहला अकाउंट है इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर हमें मात्र 500 रुपये की इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं इंडस मल्टीप्लेयर मैक्स MF अकाउंट मिलेगा, और तीसरा अकाउंट आपको इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये हैवी अकाउंट आपको मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर डिलाइट MF अकाउंट ओपन करेंगे, तो इस वाले अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ बता देते हैं। तो व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस अकाउंट के अंदर मात्र 500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा। नीचे आपको ऑफर भी देखने को मिलते रहते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अगर आप स्विगी से खरीदारी करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, बिग बास्केट से खरीदारी करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अमेजॉन से करते हैं तो 5% का, यहीं पर अगर फिल या डिनिंग एंटरटेनमेंट या फिर OTT से तो यहां पर 5% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर हम क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहीं पर इस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर सेटअप योर डिजिटल एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर अच्छी बात यह है कि जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर साथ ही साथ इसकी मोबाइल बैंकिंग का आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा मोबाइल बैंकिंग डिटेल्स में देख सकते हैं, नीचे इंटर यूज़र नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो इंटर यूज़र नेम के कॉलम में अपना जो भी यूज़र नेम आप बनाना चाहते हैं वो नाम टाइप कर देंगे। नीचे इंटर MPIN का ऑप्शन मिलेगा, इस कॉलम में MPIN को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में भी MPIN को टाइप करेंगे। याद रखना क्लियर से आपको MPIN टाइप करना है, और जो यूज़र आईडी आपके अवेलेबल होगी तो यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी, और पेज को आप ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं कि आपको नीचे कंफर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा। कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो भी आपने डिटेल्स को फिल करा, अपनी डिटेल्स को एकदम से आपको चेक कर लेना कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं फिल करा। इसके बाद में देख सकते हैं डायरेक्ट यहां पर पेज हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा और 500 रुपये ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि दोस्तों बड़ा अमाउंट आपको नहीं मिलता है। साथ ही यहां पर डेबिट कार्ड आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन यहां पर फर्स्ट टाइम पर आपको 590 रुपये प्लस 500 यानी कि कुल 1090 रुपये आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, बस हफ्ते इसके बाद में कोई भी पैसा इस अकाउंट के अंदर आपको रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 500 रुपये की इनिशियल फंडिंग भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये टाइप करेंगे, ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पेनाओ का ऑप्शन मिल जाएगा, पेनाओ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे तो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर इसकी वेलकम किट है वो आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस मोड से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है उस पेमेंट मोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम भाई क्या करेंगे, UPI ID के थ्रू करेंगे। तो यहां पर इसे सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर अपनी UPI ID टाइप करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी UPI ID वेरीफाई हो जाएगी, देन यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर डायरेक्ट हम पेटीएम में जाएंगे, वहां से पेटीएम को जो है एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूवल करेंगे, और पेमेंट जब हमारा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पर हमें अकाउंट नंबर मिल चुका है और रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडसइंड बैंक के अंदर हमने घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर लिया, अकाउंट की पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिल गई। अब भाई ये जीरो बैलेंस अकाउंट ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर कोई भी पैसा आपको पे करना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर बैलेंस में आपको मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। आप चाहो अगर आपका पहले से अकाउंट ओपन है तो आपको पता होगा, नहीं ओपन है तो ओपन करने के बाद में पता चल पाएगा। बाकी ये बैंक अकाउंट कैसा है वो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।